आज दिनांक 2 फरवरी 2024 को बेतिया जनसंपर्क कार्यालय में शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाया गया, जहां नगर के वरिष्ठ पत्रकार एवं मिले भगत न्यूज के संपादक मधुसूदन गुप्ता जी और IND 365 के ब्यूरो चीफ अफताब सिद्दीकी मौजूद रहे। मिली भगत न्यूज़पेपर के संपादक मधुसूदन गुप्ता जी ने शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे बताया कि जगदेव प्रसाद जी जो बहुत अच्छे नेता थे और हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, वो कभी भूलने योग्य नहीं थे। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे जनसंपर्क कार्यालय के प्रांगण में जन्मदिन को मनाने के बाद उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि पत्रकार संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी पत्रकार लोगों को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ तथा साथ ही उनके मार्ग पर चलने का आग्रह भी करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि उनसे प्रेरणा लेकर और सामाजिक जागरूकता करते हुए जगदेव प्रसाद जी के बताए मार्ग पर चलने से ही जीवन सार्थक होगा। हम जिस मिशन पे चल रहे हैं, जिस जीवन में लगे हुए हैं, जिस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, वह पत्रकारिता एक मिशन है, ना कोई गलत काम है। और पत्रकारिता मिशन नहीं होकर आज उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। आज हमारे कुछ पत्रकार बंधु अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। अपने गरिमा को उज्जवल करने के लिए प्रयास करें और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करें, जिससे समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा है वह बनी रहे। और साथ ही इस कार्यक्रम में मृत्युंजय दुबे, आफ्ताब सिद्दीकी, माले नेता संजय राव जी एवं जनसंपर्क के बड़ा बाबू मनोज कुमार जी तथा नगर के अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। जगदेव प्रसाद एक ऐसे पर्सनालिटी थे जब पूरा बिहार तौर सामंती सांप्रदायिक ताकतों के जकड़न से छटपटा रहा था, मुक्ति की चाहत में था। उस दौर में उन्होंने उन सामंती ताकतों के खिलाफ खड़ा होने का साहस किया और गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित को सब शिक्षा से लेकर के लोकतांत्रिक हक अधिकार मिले, इस लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। समाज में उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाए, इस लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया और इसी में वे शहादत भी हासिल किए। इस लिहाज से आज के दौर में जब सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें चरम पर हैं, हर तरह के जुल्म अत्याचार बढ़े हैं, जगदेव जी का प्रासंगिकता बना हुआ है और उनको और अधिक उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी जो समाज की लड़ाई लड़े, आज के परिवेश में हम उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए और यह समाज में बात रख रहे हैं कि उनके कार्यों से लोग शिक्षा लें और उनके बताए मार्ग पर चले भी, और उनके कृतियों को उज्जवल करने के लिए मैं मधुसूदन प्रसाद गुप्ता गरीब पत्रकार संघ का अध्यक्ष के नाते इनकी कृतियों की गुणगान करते हुए और उस पथ पर चलने के लिए मैं शपथ लेते हुए और लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ और सभी भाई, सभी पत्रकार बंधु और समाज के लोग इनके कृतियों से धन्य होकर और उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें, जिससे यह समाज हमारा अच्छा बने और लोगों को जागरूक करते हुए हम सभी भाइयों को एक समान अधिकार दिला सकें। धन्यवाद। दिया से आफ्ताब सिद्दीकी की रिपोर्ट, IND 365।